मैं सर डॉक्टर दीपक सिंह, आज पैथोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर हिमोडायनेमिक में, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज जो बहुत कॉमनेस्ट बॉडी पे अफेक्ट करती है, उसका नाम है ओडिमा। तो ओडिमा ओडिमा या इसको एडिमा भी बोलते हैं, क्योंकि दो बॉवेल एक साथ होता है, उसमें से एक बॉवेल को हम हटा सकते हैं, एडिमा भी कर सकते हैं उसे। बट ओडिमा ओडिमा क्या होती है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी किसी टिश्यू स्पेस में या सेलुलर लेवल पे, तो जब भी किसी टिश्यू स्पेस में या सेलुलर लेवल पे जब किसी भी फ्लूड फ्री फ्लूड का अमाउंट जब वहां इंक्रीज कर जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओडिमा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, जिस बात हम बता दिए कि इन द इंटरस्टिशियम इंटेस्टिशियम या इनके इनके साइटोप्लाज्म द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूड्स, अब कौन सा फ्लूड्स होती है उसके बारे में जिक्र कर देते हैं, अगर वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओडिमा कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि एक्सेसिव फ्लूड इंक्रीज इन एनी एरिया, खास करके कौन सा एरिया, जिसमें कि अब दो बात हो गई, एक्सेस फ्लूड इंक्रीज इन एनी एरिया, अब इसमें एक आ गया कि इंटरस्टिशियम एंड सेल, तो इस कंडीशन को हम लोग ओडिमा कहते हैं, एडिमा। और अगर यही चीज अगर बाई दी बॉडी के किसी फ्लूड एरिया में अगर एक्युमुलेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इफ्यूजन के नाम से जानते हैं, इफ्यूजन। अब एक कंडीशन हम लोग थोड़ा सा फ्लूड लेवल पर जब चले तो एक चीज हमको थोड़ा सा देखना है यहाँ पर फ्लूड लेवल में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे बॉडी में टोटल फ्लूड को अगर हम करेक्टराइज कर दे, अगर ये फ्लूड हमारे बॉडी में दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक फ्लूड और एक होता है आपका स्टैटिक फ्लूड। तो काइनेटिक फ्लूड का मतलब होता है जो बॉडी में मूव करने वाला होता है, मूवमेंट करने वाला, और स्टैटिक फ्लूड मतलब कि बॉडी में वहां पर अमाउंट के रूप में वो फिक्स रहता है, इसको हम लोग फिक्स्ड फ्लूड के नाम से जानते हैं। तो काइनेटिक फ्लूड में आपका जैसे आता है ब्लड एंड लिम्फ, दो फ्लूड को लोग बोलते हैं काइनेटिक, जो बॉडी मूव करता है, और स्टैटिक फ्लूड में आपका बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे ब्रेन में सीएसएफ की बात अगर आते हैं, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक सीएसएफ आ जाता है। दूसरा अगर हम लोग लंग्स की बात चलेंगे अगर, तो वहां पर प्लूरल फ्लूड आ जाता है। अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं अगर, तो वहां पर पेरिकार्डियल फ्लूड बोलते हैं। अगर पेरिटोनियम की बात है, एब्डोमेन में बात आती है, तो वहां पर आ जाती है पेरिटोनियल फ्लूड आ जाती है वहां पर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर ये फ्लूड स्टैटिक फ्लूड के फॉर्म में रहता है। तो ये जो फ्लूड होता है ये बॉडी में मूव करते रहता है, यही मूवमेंट करते समय इसके अलावा इस ऑर्गन में भी ये बॉडी मूव करते करते ये सब्सटेंस अगर बॉडी मूव कर रहा है और मूव करके करते अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूड अगर यहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्यूजन। और यही चीज अगर बॉडी के इंटरस्टिशियम स्पेस में जब आ जाती है ज्यादा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडिमा। हालांकि इन्फ्यूजन भी ओडिमा का ही एक जो मैकेनिज्म होता है उसी मैकेनिज्म से इफ्यूजन भी होता है, जिस मैकेनिज्म से ओडिमा होती है उसी मैकेनिज्म से इफ्यूजन भी होती है, बस सिर्फ जो फ्लूड का एक्युमुलेशन के अनुसार से हम लोग उसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। अब एक चीज को हम लोग चलते हैं, जब ये बॉडी में फ्लूड जो मूव करता है इस मूवमेंट के अनुसार थोड़ा सा हम चलते हैं अभी कि जो फ्लूड आखिर बॉडी में जो एक तो ओडिमा डेवलप किया या इफ्यूजन होता है, तो एडिमा भी अगर हुआ या इफ्यूजन डेवलप किया, इफ्यूजन, तो एडिमा या इफ्यूजन ये दोनों में अगर आप बॉडी का ब्लड का सब्सटेंस या लिम्फ का अगर सब्सटेंस अगर एक्सेस एक्युमुलेशन होती है तो इसके पीछे भी दो बात होती है। एक क्या होता है कि जैसे अभी बताया कि ओडिमा में, तो ओडिमा में जो ब्लड का सब्सटेंस यहां से
बाहर की तरफ ज्यादा फ्री टिश्यू फ्री स्पेस में एक्युमुलेट कर जाती है, या फिर इफ्यूजन में भी यहां से बहुत सारा अमाउंट में इंक्रीज कर जाती है वहां पर। तो ये दो कंडीशन में यहां पर टिश्यू में एक्युमुलेट करता है। एक होता है विदाउट डायलेटेशन, विदाउट डायलेटेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स एक होता है जिसमें कि ब्लड का सब्सटेंस या लिम्फ का सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा वहां पर जब एक्युमुलेट करता है, लेकिन एक कंडीशन रहता है विदाउट डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स। तो विदाउट डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स द एक्सेस फ्लूड इंक्रीज, एक्सेस फ्लूड एक्युमुलेशन नोन एज ट्रांसुडेशन, इसको ट्रांसुडेशन बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है, विथ वेसल्स डायलेटेशन। अगर वेसल डायलेटेशन के बाद जब वहां पर फ्लूड का एक्युमुलेशन होता है, एक्सेस फ्लूड एक्युमुलेशन, इस तरह का लोग बोलते हैं एक्सुडेशन कहते हैं, एक्सुडेशन। तो ट्रांसुडेशन में जो ब्लड का सब्सटेंस इंटरस्टिशियम में या ब्लड का सब्सटेंस किसी फ्लूड एरिया में, तो ब्लड का सब्सटेंस इंटरस्टिशियम में आया तो ओडिमा हुआ, अगर इंटरस्टिशियम में इफ्यूजन आया, अगर ये सब्सटेंस अगर ब्लड वेसल्स के बिना डायलेटेशन का अगर आता है तो उसको लोग ट्रांसुडेशन कहते हैं, क्योंकि बिना डायलेटेशन का कौन चीज आ सकता है, तो बिना डायलेटेशन का आ सकता है क्या, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब एक बात है कि डायलेटेशन से क्या आ सकता है, तो डायलेटेशन से आ सकता है ऑल प्लाज्मा कंपोनेंट। तो यहां पर क्या हो सकती है, तो इसमें ऑल प्लाज्मा कंपोनेंट आ गए, तो इस तरह से क्या हो सकता है, ओडिमा को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसुडेटिव ओडिमा, एक्सुडेटिव ओडिमा। फ्यूजन भी दो तरह से बांट सकते हैं, ट्रांसुडेटिव फ्यूजन एंड एक्सुडेटिव फ्यूजन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ओडिमा एंड इफ्यूजन की एक्सेस फ्लूड इंक्रीज। वहां पर जो हम लोग जानते हैं कि हर ऑर्गन में, हर इंटरस्टिशियम में अलग अलग अमाउंट में वहां फ्लूड होती है, उसका एक अमाउंट फिक्स होती है कि उससे ज्यादा अगर एक्युमुलेशन हो जाएगी तो उस ऑर्गन के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यानी कि अगर यहां पर इंटरस्टिशियम स्पेस में भी अगर ज्यादा एक्युमुलेशन कर रही है जोर से ज्यादा, तो उस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन आ सकती है। तो ट्रांसुडेटिव ओडिमा जो होती है ऑलवेज होता है वो रिवर्सिबल होती है, याद रखिएगा कि ट्रांसुडेटिव ओडिमा ऑलवेज रिवर्सिबल या ट्रांसुडेटिव फ्यूजन ऑलवेज रिवर्सिबल। तो आइदर ट्रांसुडेटिव ओडिमा ऑलवेज रिवर्सिबल, ट्रांसुडेटिव फ्यूजन ऑलवेज रिवर्सिबल, बट एक्सुडेटिव ओडिमा आर नॉट रिवर्सिबल एंड एक्सुडेटिव फ्यूजन नॉट रिवर्सिबल, बिकॉज डायलेटेशन हो जाने के बाद एक बार ब्लड वेसल से या ब्लड वेसल से जो सब्सटेंस निकल जाता है वो सब्सटेंस पुनः फिर रिटर्न ब्लड में बहुत कम बैक आता है, नहीं आ पाता है, और जो आता भी है वो यूजलेस सब्सटेंस वहां पर आता है, वो भी लिम्फेटिक सब्सटेंस के द्वारा ड्रेन होकर के आता है। लेकिन अगर माली भाई में कोई भी ऐसा जैसे इन्फ्लामेशन कंडीशन की बात चलेंगे, अगर सपोज है कि अगर हम बोले कि जैसे कोई ब्लड वेसल्स है और अगर यहाँ पर कोई इन्फ्लामेटरी स्टेज आया, इन्फ्लामेटरी स्टेज में तो ये तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायलेट कर गई। अगर ये ब्लड वेसल्स यहाँ डायलेट कर गई और यहाँ पर इंडोथेलियम सेल के बीच में स्पेस में गैप बढ़ गया, और जैसे गैप बढ़ा यहाँ से न्यूट्रोफिल माइग्रेट किया, यहाँ से प्लाज्मा का और सब्सटेंस माइग्रेट किया, तो क्या ये न्यूट्रोफिल फिर एक बार यहाँ पर जब एक्सुडेशन हो गई है, इसी को एक्सुडेशन बोलते हैं, डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, डायलेटेशन हो गई, डायलेटेशन से जो प्लाज्मा सब्सटेंस वो बाहर आ गए। लेकिन क्या ये न्यूट्रोफिल एक बार बाहर निकलने के बाद क्या कोई बोले कि हाँ ये काम कर लेने के बाद क्या पूरा ये रिटर्न आ सकती है, लिवर ये पूरी रिटर्न वहां से नहीं आती है, ये वहां पर या तो डेट कर जाती है या लिम्फेटिक सब्सटेंस उसको वहां से फिर क्या ड्रेन करती है। तो इस तरह से जो ओडिमा हम जो बताए अभी आपको हम, कि जो ओडिमा जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेटेशन नहीं हुआ है, इस नो डायलेटेशन एक बार क्लियर देख लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसुडेटिव, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन पीटिंग
वो डीमा के नाम से जाते हैं, जब वो डीमा डेवलप करता है इसको बोलते हैं। यानी एक साथ हम इसको बोल सकते हैं। और जो नेचर ऑफ फ्लूड जो होता है उसमें वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से याद कर लेंगे। क्या क्या याद कर लेना है? नो डायलेटेशन, जब डायलेटेशन रिएक्शंस नहीं हुआ है इसका मतलब वो ट्रांसोडक्टिव होगा, इसका मतलब वहां पर रिवर्सिबल होगा, यानी वहां पर किसी तरह का अगर हम लोग प्रेस करते हैं फिंगर से तो किसी तरह का वहां पर पीटी डेवलप नहीं होता है। जो कि आपको दूसरा बताया आपको कि विथ ब्लड डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स, डायलेटेशन ऑफ वेसल्स दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको क्या था ट्रांसोडक्टिव, यहां पर हो जाएगा एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव दैट मींस जो फ्लूड आया वो पुनः फिर रिटर्न नहीं आ सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल। और ये अगर ये एक्सुडेटिव हो गई, इरिवर्सिबल हो गई। और अगर बाय द वे यहां पर हम लोग अगर किसी कारण से अगर हम लोग उसको प्रेस करते हैं फिंगर से एग्जामिनेशन करने के लिए, तो वहां पर पीटी जैसा कंडीशन डेवलप करेगा, पीटी ओडिमा डेवलप करता है, ओडिमा। और इसमें आप समझ गए कि टोटल सब्सटेंस आता है इसमें, यानी कि प्लाज्मा सब्सटेंस, प्लाज्मा प्लस सेल भी इसमें आ सकती है, इस तरह के कंडीशन को ओडिमा बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ओडिमा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ द ओडिमा डेवलप इन एनी ऑर्गन्स, या हाउ द इफ्यूजन डेवलप इन एनी ऑर्गन्स। जैसा कि एक चीज याद करना होगा हमें ओडिमा को जानने से पहले, कि हमारे ब्लड में या ब्लड कैपिलरी में दो तरह का प्रेशर होता है। एक प्रेशर जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑंकोटिक प्रेशर, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसको होते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑंकोटिक प्रेशर आर डेवलप्ड बाय टू सब्सटेंसेस अल्बुमिन एंड आरबीसी, वेयर एज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप बाय द वाटर प्लस समटाइम्स डेवलप ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑंकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो व्हाट इज द ऑंकोटिक प्रेशर, व्हाट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? ऑंकोटिक प्रेशर ए प्रेशर क्रिएट इन द ब्लड कैपिलरी फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यानी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से कैसे कैसे वो फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे वो आगे वो बनती है, किस तरह फंक्शन है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या फंक्शन है, ये होती है, इसको नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक्स।